जात जात में जात हैं ज्यों केलन के पात, रविदास मानुष एक हो न सके जब तक जात न जात। भूखे वंचित जमा से हैं जिन्होंने पेट काट काट कर संघर्ष करना सीखा। तो हमारे लिए सम्मान की लड़ाई हमारा एसर्शन की लड़ाई है, हमारी पावर की लड़ाई है, और सम्मान उसका पावर का इंटीग्रल पार्ट। समाजवादी विचारधारा से लोगों को ला करके उनको सम्मानित करना पड़ रहा है, इसका मतलब पहले से वो लोग जातिवादी हैं, करप्ट हैं, कि समाजवादी राजनीति ने जो प्लैंक, जो पिच सेट किया है, आज उस पिच पर नाच कूद करके भाजपा को बोलना पड़ रहा है कि एक तरफ हमारा वोट ले रहे हो, सबका साथ सबका विकास कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारे पर ही लाठी मार रहे हो, हम पर ही लाठियाँ भंज रही, हमारा ही चमड़ा छील रहे हो, हमारा ही हत्या हो रही है, हमारा ही लूट हो रही है, हमारा ही रेप हो रहा है। कि राम जपे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुखमीता, अगर राम राम का जाप करने से दुनिया को मुक्ति मिलती तो खाण माने होता गुड़, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। जिनको राम चाहिए वो जश्न मनाए, और मनाना भी चाहिए उन्हें। बहुजनों को हक चाहिए, सत्ता चाहिए, अधिकार चाहिए, पावर चाहिए। तो जिस दिन हमारे हाथ में पावर आएगी, सत्ता आएगी, हम जश्न मनाएंगे। किस तरह का पावर चाहते हैं आप? ब्यूरोक्रेसी में जितनी हमारी आबादी है उतना हमें हक मिलना चाहिए, जुडिशरी में जितनी हमारी आबादी उतने जज हमारे होने चाहिए, एकेडमिया में जितनी इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशन में हमारे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, डीन होने चाहिए, वीसी होने चाहिए। ब्यूरोक्रेट हो गया, ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी से लेकर के दरोगा तक के सारे लोगों के सारे इंस्टीट्यूशन में जब तक हमारे नहीं, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को इस जो राज्य चलाने हैं, राज्य चलाने वाले जो संस्थान हैं उसमें जब तक भागीदारी नहीं आएगी तब तक बहुजन मजबूत नहीं होगा, तब तक उनके लिए कोई गौरव का क्षण नहीं होगा, तब तक उनके लिए कोई उत्सव का क्षण नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बौद्धकालीन भारत को आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन का भारत देखिए, तो यही जातियाँ जो आज शोषित हैं, कभी ये राजा हुआ करती थी, कभी इनके हाथ में सत्ता हुआ करती थी। तो हम अपनी खोई हुई सत्ता वापस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कोई अपनी पंडागिरी करने के लिए, कोई पुरोहिताही करने के लिए, कोई अपना जो है यू नो दान दक्षिणा जटोरने के लिए, चढ़ावा बटोरने के लिए लड़ाई लड़ रहा। तो बीजेपी सबको सम्मान तो दे रही है, किस आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, और कितना सम्मान चाहिए आपको? उनके लिए दुर्भाग्य का विषय है कि उनको सम्मान देना पड़ रहा है, और दे करके बता रहे हैं कि जैसे जो है हम देखिए इसको सम्मान देने, उसी तरह से जैसे किसी भूखे को आपने कभी तक लंबे समय तक भूखे रखा और लास्ट में कहा कि देखिए अब मैं खाना भी दे रहा हूँ। लेकिन हम कौन लोग हैं? हम लोग हैं उन्हीं भूखे वंचित जमा से हैं जिन्होंने पेट काट काट कर संघर्ष करना सीखा, जो तिल तिल करके अपने लिए स्पेस बनाया है। तो हमारे लिए सम्मान की लड़ाई हमारा एसर्शन की लड़ाई है, हमारी पावर की लड़ाई है, और सम्मान उसका पावर का इंटीग्रल पार्ट है, उसका जुड़ा हुआ भाग है, मिला हुआ भाग है। तो इसलिए उन्हें देना पड़ रहा है, और हमारा है कि हमारा सारा का सारा है, 90% हमारा है, जो जगदेव बाबू का नारा है, और वो हम लेंगे। तो जैसे वो कहते हैं ना कि इतने 100 साल का संघर्ष आज कामयाब हुआ, तो हम लोगों का भी इतना बस कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है बीजेपी ने, घोषणा की है, तो क्या लगता है वो बताएगी बीजेपी सबके सामने, बताएगी भाई हमने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इन्हें सम्मान दिया, तो आप लोग कैसे समझाएंगे कि भाई हमें कौन सा सम्मान? ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने इतने दिन बाद भी, उन्हें याद करके उनके योगदानों को, संघर्षों को रिकॉग्नाइज़ किया। हम लोग लंबे समय तक कहते रहे कि जो बैकवर्ड समुदाय के लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, उन्होंने इस धरती के अंतिम पायदान व्यक्ति को उठा कर नीचे लाया, चाहे वो भगवती देवी हों, चाहे फूलन देवी हों। तो उन इस ऐसा क्या हो रहा है कि उनको सम्मान देने के लिए उनकी विचारधारा में कोई आदमी नहीं मिल रहा है? समाजवादी विचारधारा से लोगों को ला करके उनको सम्मानित करना पड़ रहा है, इसका मतलब पहले से वो लोग जातिवादी हैं, करप्ट हैं, तभी तो उनके विचारधारा। वो तो कहें हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं ना, यही तो कहना है कि इस लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं थे ना, अब तुम्हें साथ लेने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा, सोशल जस्टिस की विचारधारा, पिछड़ों का जो एसर्शन है, जो उरूज है, वो उभर रहा है, उनकी डिमांड उधर उभर रहे हैं। जाति जनगणना का सवाल बिहार से जब तक उठा है तब तक बिहार अभी तक तो नहीं दे दिए, अभी तक कभी याद नहीं आई। इतने राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार थी, 5 साल की सरकार गुजर गई, दिया लेट से। इनको समझ में आया कि जब तक हम जो है
इन जातियों को जिन्होंने सच में इस भारत की डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, भारत के वंचित जातियों में आवाज़ दी है, स्वर दिया है, उनको सम्मान से जीने का जो है रास्ता दिखाया है, उन जज्बों को इन्होंने स्वीकार किया है। पहली बार ये माने हैं कि हमने शोषण किया है इसलिए हम सम्मानित कर रहे हैं। इसका मतलब प्रूफ हो गया ना कि ये लंबे समय तक जातियाँ वंचित रहीं, लंबे समय तक के लोग जो है इन ओहदा और सम्मान से वंचित रहे, वो सम्मान दे रहे हैं क्योंकि विवश हैं। आज सम्मान नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम्हें कोई वोट नहीं मिलेगा। और बिहार की सरकार जिस तरीके से कर रही है, जिस सामाजिक न्याय के प्लेटफॉर्म पर, से सामाजिक न्याय के परिदृश्य पर सारा संरचना चल रही है, इसलिए विवश होकर उसको चुनाव जीतना है तो कर्पूरी याद आ रहे हैं, नहीं तो कर्पूरी याद नहीं आते। और आप अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कर रहे हैं, तमाम जातियों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ 3 जातियाँ हैं, गरीब, युवा, किसान। देखिए इस दिल हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े हैं, इस विश्वविद्यालय में रविदास पर कई थीसिस लिखी गई है और रविदास का कथन है कि जात जात में जात हैं ज्यों केलन के पात, रविदास मानुष एक हो न सके जब तक जात न जात। कब सदी? 15वीं सदी की बात कह रहे हैं। उन पर कितनी PhD रविदास पर हुई, कितनी PhD जो है कबीर पर हुई, उनके वाक उन पर PhD तो करा रहे हो लेकिन उनकी कही बातों को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तुलसीदास की बात कही हुई बात को तुम बता रहे हो कि ये फलाने हैं, ढिमाके हैं, विश्व है। और रैदास उसी समय के रैदास हैं, उसी समय के कबीर हैं, उसी समय के नानक हैं, उसी समय के जो है पीपा हैं, उसी समय के धन्ना हैं, उसी समय के रज्जब हैं। इन संतों को तुम्हें कोई याद नहीं आ रही है? जब हम लोग इन संतों की बात करेंगे तो कल इनका भी सम्मान करने शुरू कर देंगे, कल रैदास का सम्मान करेंगे, कल पीपा का सम्मान करेंगे, कल धन्ना का सम्मान। ये जितने हमारे महापुरुष संत हैं मध्य का मेडिवल पीरियड सबका करेंगे, अभी तो इनको कोई याद नहीं आ रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अपने संघर्षों से तिल तिल करके अपने लिए इस मुल्क में स्पेस बनाए हैं और आज उसको ये लोग मजबूरी बस वोट लेने की नीयत से ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये हमारी जीत है, हमारा एसर्शन है, हमारी पॉलिटिक्स की जीत है। जिस लोग राम राज्य से डरे क्यों? राम राज्य बेसिकली आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना जिसकी संकल्पना ये जो है राम राज के रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन एकदम स्पष्ट है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से बाबा साहब को दिक्कत थी। ये बता दें कि बाबा साहब से इनको दिक्कत है? जिनको बाबा साहब से दिक्कत है बताएं। बाबा साहब ने कहा कि ऐसी कोई राष्ट्र की संकल्पना नहीं होनी चाहिए। अगर बहुजनों अगर कोई ऐसी बात करता भी है तो तुम सतर्क हो जाओ और इसके लिए लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए उस राज्य में संबुकों का गला काटा जाएगा अगर कोई संबुक पढ़ने की कोशिश करेगा। ये फलक पहले से क्लियर है, बाबा साहब को भी क्लियर है, कर्पूरी साहब को भी क्लियर है, कांसी राम को भी क्लियर है, BP मंडल को भी क्लियर है, शिवदयाल चौरसिया को भी क्लियर था। काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू न होने की वजह यही था कि उस समय शिवदयाल चौरसिया, अवधेश प्रताप सिंह सारे लोग संघर्ष करते थे। कहने का मतलब ये है कि समाजवादी राजनीति ने जो प्लैंक जो पिच सेट किया है, आज उस पिच पर नाच कूद करके भाजपा को बोलना पड़ रहा है। लेकिन आवाम खुश है, कहीं ना कहीं माहौल देखकर लग रहा है आवाम दोनों तरह से खुश है। मैं कह रहा हूँ कि आवाम, भारत की आवाम जातिवादी भी है तो मजहबी भी है, तो जिसका जो मानसिक पक्ष है, जो साइकोलॉजिकल पक्ष है, साइकोलॉजिकल पक्ष के साथ साथ उसको रोजी रोटी का भी सवाल है, तो पूजा पाठ के साथ वो रोजी रोटी भी कमाती है, तो उसके सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। बाकी सवाल जिनको हल करना है, मैंने कहा कि हमें सत्ता की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, हमें हक पर जो कंसंट्रेट कर, तो हम हक के रास्ते पर हैं, वो लोग देव के रास्ते पर हैं, वो लोग मुक्ति के रास्ते पर हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भारत की जो परम्परा है वो परंपरा खंडन मंडन और बहुत पंथी है, बहुचिंतन परक है, उसमें एक ही रास्ता नहीं है भक्ति का। राम का ही सिर्फ मार्ग नहीं है, कबीर का भी मार्ग है, रैदास का भी मार्ग है, नानक का भी मार्ग है, निम्बारकाचार्यों का मार्ग है, अद्वैतावाद, शुद्धाद्वैतवाद और मध्वाचार्यों सारे लोगों का रास्ता है। भगवान को पाने का कोई एक मार्ग नहीं है और ये कह नहीं सकते गारंटी के साथ भगवान को पाने के एक ही रास्ता। इसीलिए कबीर ने कहा है कि राम जपे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीत। अगर राम राम का जाप करने से दुनिया को मुक्ति मिलती तो खाड़ माने होता गुड़, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, नहीं होता। आग कहे पांव दे दाजे, आग का लेते ही आपका पैर जल जाना चाहिए था लेकिन पैर तो नहीं जलता है। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि अगर गंगा नहाने से मुक्ति मिलती तो सबसे पहले स्वर्ग कौन जाता?
मेढक जाते, मछली जाती, कुछ रात दिन पानी में ही, रात दिन गंगा में ही है। तो इन तर्क वितर्क का भी जगह भारतीय समाज में है, भारतीय चिंतन में है। एक रंग से, एक चिंतन से, एक रूप से दुनिया को देखने की जो कोशिश हो रही है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोग कबीरपंथी हिंदू हैं, हम लोग बुद्ध के हिंदू हैं। तो अलग अलग अनुयायियों का, हम डी बाबा को मानने वाले हैं, हम दक्षिणी बाई को मानने वाले हैं, हम ब्रह्म को पूजने वाले हैं, हम लोग जो पहलवान बाबा को पूजने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी का राम राज्य है तो दूसरी तरफ अगड़ा वर्सेस में एक दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का अगड़ा वर्सेस पिछड़ा है, तो कैसे देख रहे हैं इंडिया वर्सेस इंडिया? इंडिया का गठबंधन अगड़ा वर्सेस पिछड़ा नहीं, इंडिया का गठबंधन एक समेतिक गठबंधन है, समायोजित गठबंधन है। और सभी पिछड़े की बात तो कर रहे हैं ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी। हाँ, अब जैसे हर स्वरों को उसमें पिरोने की बात हो रही है, तो आप देख लीजिए उसमें आरजेडी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, ममता जी भी हैं, डीएमके भी है, छोटे छोटे सारे दल, और जो अभी बिखरे हुए हैं उनको भी, इवन हम लोग ने मायावती से भी अपील कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती से भी, कि वो लोग भी आएं और जो हमारा बिखरा हुआ वोट है, बिखरा हुई ताकत है, उस ताकत को एकजुट कर लें, ताकि हमारे उपयोग वोट की जो दुरुपयोग हो रहा है, हमारा वोट लेकर के दलितों को मारा गया। हाथरस की घटना आपको याद होगी, ऊना की घटना आपको याद होगी, जिसमें जो है रात को दलित बेटी को जलाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दलित बेटी संघर्ष कर रही है, उसको रात को जो है, रात को क्रैक डाउन किया जाता है, उसके आंदोलन पर हमला किया जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक तरफ हमारा वोट ले रहे हो, सबका साथ सबका विकास कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारे पर ही लाठी मार रहे हो, हम पर ही लाठियाँ भंज रही, हमारा ही चमड़ा छीन रहे हो, हमारा ही हत्या हो रही है, हमारे ही लूट हो रही है, हमारा ही रेप हो रहा है। मध्य प्रदेश में देखे ना एक आदिवासी पर किस तरीके से एक सिरफिरे ने, उसके अंदर इतनी मनोबल कहाँ से आया, इतनी ताकत कहाँ से आई? तो ये समाज में हो रहा। आज देखिए राम के नाम पर कितने दंगे हो रहे हैं मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश, कितनी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी मीडिया ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन लोग अंदर अंदर पीड़ित हैं, अंतर अंतर डरे हुए हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, लोग सिसक रहे हैं। लेकिन बहन जी बार बार कह रहे हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन से दूर ही रहेंगे, एनडीए एनडीए दोनों से दूर रहेंगे। देखिए ये बहन जी का अपना विचार है, उनका कैलकुलेशन है, वो क्या करना चाहती हैं, लेकिन बहुजन समाज पीड़ा में है, दलित समाज पे हमले हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, कहीं पानी पीने के उसमें हो रहा है, कहीं आप किसी स्कूल में कोई टीचर जो है किसी दलित के जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करके उसको प्रताड़ित कर रहा है, कहीं किसी के मजहबी आइडेंटिटी से किसी को टारगेट करके ट्रेन में कोई दाढ़ी देख करके टोपी देख कर गोली मारी जा रही, ये तो देश में हो रहा है ना, ये तो बहन जी भी देख रही हैं। और बहन जी अपने स्टेटमेंट ये भी कहती हैं कि हमारे दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है। तो बहन जी को अत्याचार देखना चाहिए कि इस राज में, रिजीम में सबसे विक्टिम कौन है, वो दलित समाज है। तो उस दलित समाज को प्रोटेक्शन करना हम सब की जिम्मेदारी है, फिर बैकवर्ड और मुसलमान हैं। तो जब तक इनमें एकता नहीं बनी, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो मारे जा रहे हैं, तब तक सही संकल्पना भारत की नहीं बना सकती। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लगता है कि बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन कुछ कर सकता है? देखिए बीएसपी को जोड़ने की कवायद है, बीएसपी से अपील है, बीएसपी से गुजारिश है, अगर बीएसपी नहीं भी आएगी तो क्या हम लोग जो लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, जो आ सकता है, जो उसमें शामिल हो सकता है, उन सब को जोड़ने की कोशिश करेंगे और प्रयास जारी है। छोटे छोटे दल जैसे बीजेपी एनडीए का गठबंधन 36 लोगों का जो कुनबा है, वैसे ही हम लोग भी जो हमारी ताकतें बिखरी हैं, हमारी शक्तियां बिखरी हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल कि इंडिया गठबंधन को कहां देख रहे हैं 2024 में? कोई समीकरण लगता है कि कमबैक? देखो इंडिया गठबंधन उन सारे बिखरे हुए ताकतों को पिरोने की कोशिश कर रहा है, जिसको अगर जोड़ लेने पर हम इस राम नामी उन्माद को, इस मजहब की आड़ में जो उन्माद फैल रहा है, जो आतंक फैल रहा है, जो लोगों की चेतना का हरण हो रहा है, उसको रोका जा सकता है।